भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सूर्या ने बिलासपुर तहसीलदार के माध्यम से राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपते हुए कहा, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति वर्ग का अपमान किया है, अनुसूचित जाति वर्ग का भया दोहन किया है, नृशंस हत्या, भय, भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। कांग्रेस की सरकार सिर्फ केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखने के अलावा कुछ नहीं किया है। कल पूरे तहसील और विकास खंड में मंडल अध्यक्ष के माध्यम से ज्ञापन सौंपा जाएगा। किस लिए आप लोग आज यहाँ तहसील कार्यालय आज तहसीलदार जी के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन देने आए हैं। विषय यह है कि जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई है तब से अनुसूचित जाति वर्गों का अपमान, अनुसूचित जाति वर्गों का भया दोहन और साथ ही साथ जैसे बठेना जैसी घटनाएं जिसमें निशंस हत्या, वैसे ही है भ्रष्टाचार अपने चरम पर है। कांग्रेस की सरकार सिर्फ केंद्र की सरकार को चिट्ठी लिखने के अलावा और कोई काम नहीं कर रही है। आज पूरे छत्तीसगढ़ में दहशत का माहौल है, अनुसूचित जाति वर्ग इससे बहुत ज़्यादा आंदोलित है, चाहे वो भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण की जो भर्ती की प्रक्रिया है, जो कर्मचारियों का पदोन्नति में जो उसमें भी जिस तरह से इन्होंने भारतीय संविधान का उल्लंघन किया है वो भी उसका भी हम निंदा करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा के सभी पदाधिकारी आज बिलासपुर में ज्ञापन देने आए हैं और कल पूरे तहसील में, प्रदेश के पूरे तहसील में कल ज्ञापन दिया जाएगा। नाम बताएंगे? चंद्र प्रकाश सूर्या, जिला अध्यक्ष अनुसूचित जाति मोर्चा बिलासपुर। समय न्यूज के लिए सीपत से प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।